आज मदर्स डे के ओकेजन पे मैं मेरी बेटी के साथ मेरी मम्मा की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि प्रोटीन से भरी हुई है, जो मैं बना रही हूँ मूंग दाल से। तो बनाते हैं मूंग दाल के ढोकले जो प्रोटीन से भरे हुए हैं। तो शुरू करते हैं। अभी कंगना मिक्सर जार में ये छोटा टुकड़ा अदरक है, एक लहसुन है और ये मैंने एक हरी मिर्ची ली है, वो आप डाल दो मिक्सर जार में। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मूंग दाल ली है, जो छिलके वाली मूंग दाल आती है ना वो ली है, वो मैंने 3/4 कप मूंग दाल ली है और 1/4 कप उसमें नॉर्मल से जो चावल आते हैं ना वो डाले हुए हैं, और इसको हमने 3 से 4 घंटा भिगा दिया। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल रही हूँ और मैं पानी जितना हो सके उतना कम लेने की कोशिश कर रही हूँ। बचपन में ना मम्मा ने ये वाले ढोकले बहुत खिलाए हैं, क्योंकि नॉर्मल दाल चावल जब भी देती थी ना तो ऐसा लगता था कि रोज रोज दाल चावल, तो मेरी मम्मी ये चीट करती थी, वही दाल चावल के ढोकले बना देती थी, और आज वही मैं मेरी बेटी के साथ कर रही हूँ। इसको हम पीस लेंगे, पहले नॉर्मल पीसने की कोशिश करेंगे और फिर चाहिए तो पानी ऐड करेंगे। इसको हाथ लगा के ये भी बहुत थिक है तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 3-4 चम्मच जितना पानी डाल देती हूँ। और कंगू वापस घुमा लो। टेक इट आउट। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। ये डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट, ये मैं 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब मैं ये जो बैटर है इसको, ये ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ टिन है मेरे पास, मैं उसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरा स्टीमर छोटा है, उसमें थाली नहीं बैठ रही है, इसलिए मैंने टिन लिया है, आप थाली में भी बना सकते हैं। तो ये जो इतना बैटर है ना वो हम 2 बैच में बनाएंगे, ये केक नहीं है इसलिए ऊपर तक नहीं भरेंगे, और अब रख देते हैं स्टीम करने के लिए। चलो, मैंने ये स्टीमर पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें नीचे पानी रख दिया है और एक प्लेट रखी है, इसके ऊपर मैं बस ये वाला पैन रख दूंगी और कवर करके स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। इसको स्टीम होने के लिए 10 से 12 मिनट लगेंगे। बच्चों में ना बचपन से प्रोटीन खाने की आदत डालना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली उनके लिए जो वेजिटेरियन है बिल्कुल मेरी तरह। तो अब ढोकला चेक कर लेते हैं, 12 मिनट हो गए हैं, लुकिंग लवली। एक बार ऐसे हम डाल के देख लेते हैं, आप टूथपिक डाल के भी देख सकते हैं। यस, दिस इज एब्सोल्युटली डन। मैं बंद कर लेती हूँ और ढोकला को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब जाके कट करेंगे। ढोकला थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब मैं कट कर लेती हूँ और सुपर सॉफ्ट भी बना है। ढोकले को निकाल देती हूँ एक प्लेट पे। ढोकला सारे स्टीम हो गए हैं, अब हम ढोकले को तड़का देते हैं, मतलब बघार देते हैं। मैं पैन में थोड़ा सा 2 चम्मच जितना तेल डालती हूँ और उसमें मैं डाल देती हूँ ये कुछ सरसों के दाने। सरसों जैसे ही चटक जाए ना हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और उसी टाइम पे मैं ये डाल देती हूँ, सफेद वाले तिल है मेरे पास वो डाल दूंगी, और डालूंगी कुछ ये कड़ी पत्ते, और हम डाल देंगे ये स्टीम किए हुए प्रोटीन से भरे हुए दाल के ढोकले, और बस हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। बस 5 से 7 मिनट ही इसको तड़के में पकाना है और बंद कर देते हैं, और कुछ डाल देते हैं धनिया। गर्मा गर्म ढोकला तैयार हो गया है, मैं प्लेटिंग करती हूँ। कंगना कैसा लग रहा है?
मैंने बचपन से ना कंगना को प्रोटीन रिच खाना खिलाने की हमेशा कोशिश की है। मुझे मम्मा का बनाया हुआ दाल ढोकला इतना पसंद है कि मुझे किसी और का ढोकला खाना पसंद ही नहीं है। ये देखो एक वेबसाइट है right2protein.com, उसमें एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर है प्रोटीन को मेजर करने का। उसमें आपको आपकी हाइट वेट उसके हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए और आप कितना प्रोटीन लैक कर रहे हैं वो सब आपको मेजर करके बताता है। और पर डे आपने क्या खाया अगर वो भी आप फीड अप करेंगे ना तो वो भी आपको बताएगा कि उसमें कितना प्रोटीन था और कितना प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए। और जस्ट मेक श्योर कि आपकी प्लेट का 1/4% मतलब कि 25% प्लेट का प्रोटीन हो, बिकॉज ये मसल बिल्ड करने में और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। ये लोग खाने के लिए तो रेडी है, प्लेट कर देते हैं हम और ऊपर से भी कुछ डाल देती हूँ धनिया। तो तैयार है प्रोटीन से भरा हुआ दाल का ढोकला। दिस इज योर राइट टू प्रोटीन। यम्मी। बच्चों में बचपन से ही प्रोटीन खिला के इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैं पर्सनली सारी मदर्स को ना थैंक यू बोलना चाहूंगी।